लॉकडाउन। आज हम लोग का टॉपिक है क्लास नाइन्थ का मोशन यानी गति। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि गति किसे कहते हैं। जैसा कि सबको पता है कि समय कभी रुकता नहीं, हम भले रुक जाएं, ये घड़ी जो है घड़ी हमारी चलती रहती है। तो उसी आधार पे हम लोगों ने डिफिनेशन तैयार किया है। देखिए ध्यान से, किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति परिवर्तन गति कहलाता है। किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति परिवर्तन गति कहलाता है, अर्थात चेंज इन पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थिति, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब समय के सापेक्ष। ऑफ एनी बॉडी यानी किसी भी वस्तु का इसका मोशन यानी समय के साथ किसी भी वस्तु का जो स्थिति परिवर्तन होता है उसी को हम गति कहते हैं। किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति परिवर्तन न होना क्या कहलाता है? विरामावस्था। विरामावस्था मतलब रेस्ट, जैसे हम लोग रेस्ट में हो जाते हैं एकदम आराम से, तो रेस्ट क्या है? रेस्ट मतलब समय तो बढ़े, समय तो परिवर्तित हो, लेकिन वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन ना हो तो उसे विरामावस्था यानी रिलैक्स मोड कहते हैं। और अगर समय के साथ स्थिति परिवर्तन हो तो उसे हम गति की अवस्था कहते हैं। वैसे इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो पूरी तरीके से रुकी हुई हो, यानी हम सभी भी गतिमान है। उसके रिस्पेक्ट में हम लोग एक शब्द रिलेटिव मोशन, जो कि हम लोग इसी चैप्टर में बाद में कवर करेंगे। अभी देखते हैं टाइप ऑफ मोशन यानी गति के प्रकार। वैसे तो गति बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य छह गति के प्रकार आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहला टाइप है सरल रेखी तथा स्थानांतरीय गति। सरल रेखी यानी रेक्टिलिनियर तथा स्थानांतरी यानी ट्रांसलेटरी मोशन, दोनों की डिफिनेशन एकदम मिलती जुलती है, बस आपको देखना क्या है। सरल रेखी गति यानी रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है जब कोई कण एक सीधी रेखा में गतिमान। कण और वस्तु, इन दोनों का डिफरेंस समझिए दोस्तों। कण का मतलब होता है बहुत ही छोटा, जैसे हम लोग के घर के सामने एक छोटी सी चींटी, तो उसका एक संदर्भ देखा जाता है कि बड़ी वस्तु का छोटी वस्तु से कितना गैपिंग है, उस हिसाब से हम लोग किसी वस्तु को कण कह सकते हैं अगर वह अपने आसपास की वस्तुओं से तुलना में उसके काफी छोटा हो। तो जब कोई कण एक सीधी रेखा में गतिमान हो तो उसे सरल रेखी गति कहते हैं, और जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान हो तो उसे स्थानांतरित गति कहते हैं। बस शब्दों का अंतर है, शब्दों का उपयोग हम लोग अलग अलग जगह पे करेंगे। तो सरल रेखी क्या है कि जब कोई कण एक सीधी रेखा में गति करता है तो सरल रेखी गति, और जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन यानी स्थानांतरित गति कहते हैं। दूसरा क्या है? वृत्ताकार तथा घूर्णन गति। वृत्ताकार सर्किल से बना हुआ है, यानी वृत्ताकार को हम कहते हैं सर्कुलेटरी मोशन, और घूर्णन गति को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। जब कोई वस्तु एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष गति करे, स्थिर बिंदु के सापेक्ष, जैसे आपने उदाहरण लेना है बैल कोलू, बैल कोलू में कोलू बीच में रहता है और बैल उस बिंदु के चारों तरफ घूमता रहता है। पृथ्वी की गति सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर होता है, तो ये वृत्ताकार का मतलब हुआ कि जब कोई वस्तु स्थिर बिंदु एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ गति करे तो उसे हम वृत्ताकार गति कहते हैं। और घूर्णन गति, घूर्णन गति का अर्थ है रोटेटरी मोशन, यानी जब कोई वस्तु एक स्थिर अक्ष के सापेक्ष चारों तरफ गति करता है, मतलब अपनी जगह पे ही गति करे, बस स्थिर अक्ष के चारों ओर, जैसे हमारे फैन की गति, फैन एक जगह से दूसरी जगह गति करते हुए नहीं जाता है बल्कि अपने एक्सिस यानी अक्ष पे ही चारों तरफ एक ही स्थान पे घूमता रहता है, तो इसे हम घूर्णन गति कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी दोनों ही गतियां करती है, वृत्ताकार गति करती है और घूर्णन गति करती है। गोल्डन गति के कारण 24 घंटे होते हैं और वृत्ताकार गति के कारण 365 दिन यानी वर्ष होता है। अब तीसरा टाइप हम लोग देखेंगे दोलनी तथा कांपनी गति। दोलन गति को हम ऑसिलेटरी मोशन और कांपनी गति को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। दोनों में ही वस्तु, जैसे घड़ी का पेंडुलम आप लोग देखे होंगे, तो घड़ी का पेंडुलम क्या होता है, अपने मूल स्थिति जो माध्य स्थिति है, रुकी हुई स्थिति को हम माध्य स्थिति भी कहते हैं, अपने माध्य स्थिति के दोनों तरफ
आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करता है। लेकिन एक शब्द आता है इसमें आयाम यानी एम्पलीट्यूड। आयाम क्या है दोस्तों? आयाम जब भी कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों तरफ जितना अधिक से अधिक दूरी तय करता है उसी को हम कहते हैं आयाम। अब दोलन गति और कंपनी गति दोनों की ही डिफिनेशन सेम है कि जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति यानी साम्यावस्था स्थिति के दोनों ओर जब अधिक आयाम में गति करती है, आयाम उनका बड़ा होता है तो इसे दोलन गति कहते हैं, और जब कम आयाम में गति करता है तो उसे हम कांपनिक गति या कंपन भी कह सकते हैं। तो दोलन गति में अधिक आयाम और कांपनिक गति में कम आयाम यानी छोटी दूरी। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति नेक्स्ट टाइप है। क्षैतिज मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर को हम बोलते हैं वर्टिकल। क्षैतिज गति किसे कहते हैं? कि जब कोई वस्तु पृथ्वी के तल के समांतर गति करे तो उसे क्षैतिज गति कहेंगे। जैसे हम सभी लोग सड़क पे चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, तो ये सभी उदाहरण हैं आपके क्षैतिज गति के। ऊर्ध्वाधर गति क्या है दोस्तों? ऊर्ध्वाधर गति का मतलब होता है पृथ्वी के तल के लंबवत ऊपर या लंबवत नीचे की ओर। जैसे पेड़ से पत्ते गिरना, पेड़ से फल गिरना, गेंद को ऊपर की ओर फेंकना, गेंद का नीचे आना, ये सभी ऊर्ध्वाधर गति है कि जो ऊपर से नीचे की ओर हो उसे ऊर्ध्वाधर गति, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, और क्षैतिज गति मतलब पृथ्वी तल के समान। अगला है एक समान व असमान गति। एक समान यानी यूनिफॉर्म और असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोनों में ही एक ध्यान से देखेंगे डिफिनेशन को कि जब कोई वस्तु समान समयांतराल, समयांतराल मतलब टाइम गैप, समान समयांतराल में समान स्थिति परिवर्तन करे तो उसकी गति एक समान गति कहलाएगी। समान समयांतराल में समान स्थिति परिवर्तन करे, ये गति की ही डिफिनेशन से रिलेटेड है। जैसे गति में पढ़ा गया था कि समय के साथ स्थिति परिवर्तन, अब यहाँ पे पढ़ा जा रहा है समान समयांतराल में समान स्थिति परिवर्तन को एक समान गति कहते हैं। और बस यहाँ समान के आगे हम लोग को लगा देना है असमान स्थिति परिवर्तन, तो यहाँ एक समान गति की जगह हो जाएगा असमान गति। यानी जब कोई वस्तु समान समयांतराल, समयांतराल हमेशा समान लेना है, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान स्थिति परिवर्तन करे तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। और लास्ट में देखते हैं हम लोग प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक विशेष टाइप का मोशन है जिसमें कोई भी वस्तु पृथ्वी के तल पे नहीं फेंकी जाती है, ना ही पृथ्वी के लंबवत, बल्कि पृथ्वी के तल से किसी कोण पर फेंकी जाए तो उसका पथ पूरी तरीके से सर्कुलर यानी वृत्तीय न होकर के थोड़ा दबा हुआ, यानी उसको हम बोलते हैं इलिप्टिकल या परवलयाकार। जैसे तो से फेंके गए गोले की गति को हम कहेंगे प्रक्षेप गति। क्यों? क्योंकि एक लॉन्ग रेंज लेते हुए इनका पथ परवलयाकार होता है। ये बस अभी हम लोग को इन सब के बारे में एक हल्के हल्के डिफिनेशन जाननी थी जिसके बारे में हम लोग